मंदिर में जाने से पहले लोग भगवान को चढ़ावे के रूप में फल फूल, माला, मिठाई आदि चीजें खरीदते हैं। इच्छा पूरी होने के बाद प्रसन्न होकर लोग मंदिरों में कई तरह के व्यंजनों का भोग लगाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लोग प्रसाद नहीं दीवार घड़ी चढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओरो इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि यहां दर्शन करने और घड़ी चढ़ाने से किसी भी प्रकार की दुर्घटना और बुरे वक्त से बचा जा सकता है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के जौनपुर के पास एक गांव में मौजूद है। इस मंदिर को ब्रह्मा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की यह परंपरा करीब 30 सालों पुरानी है। इस अनोखे चढ़ावे की वजह से यह मंदिर लोगों में चर्चा का केंद्र बना रहता है। ब्रह्मा बाबा या फिर घड़ी बाबा के मंदिर में इस अनोखे राज पीछे एक परंपरा जुड़ी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक बार ब्रह्मा बाबा मंदिर में एक व्यक्ति यह इच्छा लेकर आया था कि वह अच्छा ड्राइवर बन जाए। बाबा के मंदिर में मांगी उसकी यह मन्नत पूरी हो गई और वह एक अच्छा ड्राइवर बन गया। खुश होकर उस व्यक्ति ने इस मंदिर में घड़ी चढ़ाई थी। जब लोगों को इस बारे में पता चला कि इस मंदिर में इच्छा पूरी होती है तो लोगों ने भी मंदिर में चढ़ावे के रूप में घड़ी चढ़ाना शुरू कर दिया। तब से अब तक यह परंपरा के तौर पर चला आ रहा है। मान्यता है कि घड़ी बांधने से मन्नत पूरी हो जाती है। घड़ी का काम केवल समय बताना ही नहीं है, बल्कि यदि घड़ी इस मंदिर में बांध दी जाए तो घड़ी आपका सही वक्त भी ला सकती है। श्रद्धालुओं ने इतनी घड़ियां चढ़ाई कि जगह नहीं बची। घड़ी बाबा का यह मंदिर इतना लोकप्रिय है कि यहाँ पर मन्नत पूरी होने के बाद लोग दूर दूर से चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते हैं। इस मंदिर के बाहर एक बरगद का पेड़ है जहाँ लोग घड़ियों को चढ़ाते हैं। इस मंदिर की एक और हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर में चढ़ावे के रूप में चढ़ाई गई घड़ियों को कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए पूरे साल भक्तों का आना जाना लगा रहता है।